करूंगा तो ऑटोमेटिक वेट गेन करता है और मैं, आप देखिए, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। डाउट आता है कि पार्किंग में दिक्कत तो नहीं होगी। आप खराब रोडों की बात करें तो के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बहुत ही नैरो रोड्स पे हैं। एक और है ब्रेकर, ये लो ना भाई। स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मजाक अभी दिया, अब तो नोटिस करने लग गया। अबे क्यों बता रहा है? लेकिन धीरे धीरे तो एवरेज जो मेरे माइलेज आ जाएगा वो अराउंड 14-15-16 ऐसा भी जा सकता है। तो इनका स्टीयरिंग वॉबल करता है और जब आप ब्रेकिंग भी प्रेस करो उसका ट्रैक्शन लूज होता है। तो भाई आज ड्राइव कर रहे हैं टाटा कर्व और आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा जो आप पूछ रहे थे लास्ट वीडियोस में। भाई सस्पेंशन कैसा है, स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, तो सब कुछ आज अपन कवर करेंगे। जो वेरियंट में ड्राइव कर रहा हूँ ये भाई एकम्प्लिस्ट एस वेरियंट और हमने जो वेरियंट लिया है ये 1.2 लीटर रेवट्रॉन मैनुअल के साथ। तो पुराना ही इंजन है जो आपको नेक्सॉन में बहुत टाइम से देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई विजिबिलिटी से। तो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है अगर आप कंपेयर करें नेक्सॉन से ना, तो बिल्कुल ही सिमिलर है। बोनट विजिबल होता है, जो आप लोग पूछते हैं मैक्सिमम टाइम कि बोनट विजिबल होता है कि नहीं। भाई बोनट विजिबल होता है, वो एसयूवी वाला जो आपको स्टांस है, फील है, वो जरूर आएगा। दोनों कॉर्नर्स आपको विजिबल होते हैं। भाई ये वाइपर विजिबल है, देख देख तो पहले। मजाक अभी दे, अब तो नोटिस करने लग गया। अबे क्यों बता रहा है? मैं कल भी ध्यान नहीं दे रहा था उस पे। अब तो अपनी गाड़ी में ध्यान देना। देख थोड़ा सा व्यू में भी आ रहा है वो, और वाइपर भी विजिबल होता है। ए पिलर्स देखे तो भाई वही प्रॉब्लम है जो नेक्सॉन में आता था, काफी थिक पिलर है, ब्लाइंड स्पॉट आपका बहुत बड़ा बन जाता है जब आप गाड़ी टर्न वगैरह करते हैं, जैसे अभी मैं करूंगा। तो लेफ्ट साइड में तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आपको नहीं होगा, जब राइट साइड अपन टर्न लेते हैं ना तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्लाइंड स्पॉट बनता है। सिटी में कभी कभी प्रॉब्लम करता है, स्पेशली मैंने लॉन्ग टर्म में नेक्सॉन में देखा है कि घाट सेक्शन वगैरह पे थोड़ा सा परेशान करता है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पहले यहाँ से देख लीजिए फिर फ्रंट से देखिए। तो ये एक चीज है। बाकी डैशबोर्ड ऑलमोस्ट आपको नेक्सॉन वाला फील देता है, लेकिन लग्जरीनेस इसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि मरून कलर आता है, बर्गंडी कलर जो भी इसको बोलते हैं। ORVM के साइजेस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आपको विजिबिलिटी आ जाती है, एंड तक आ जाती है बिल्कुल। और जो IRVM है ये तो वैसे भी आपको पुराने जो गाड़ियों में आता है टाटा की कार से वही है, काफी बड़ा साइज इसमें आता है, तो विजिबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और था आपका कि भाई इसमें पार्किंग वगैरह में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? वैसे देखो बेस वेरिएंट से आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कूपे डिजाइन के कारण लोगों को डाउट आता है कि पार्किंग में दिक्कत तो नहीं होगी। तो भाई नहीं होती, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ORVM IRVM में अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको मिल जाती है। हम लोगों ने काफी कंजेस्टेड जगह पे पार्क किया, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट टाटा की बात करते हैं भाई, वो है सस्पेंशन। तो हम लोग अभी बहुत ही खराब रोड पे ड्राइव कर रहे हैं और भाई मजा ले कि कोई जर्क आपको फील हो जाए अंदर। आई थिंक इससे अच्छे सस्पेंशन भाई आपको कोई भी व्हीकल में नहीं मिलेंगे इस सेगमेंट में, स्पेशली भाई जर्मन व्हीकल में तो इसके आसपास में नहीं आ सकते। अगर आप खराब रोडों की बात करें तो इतना कंफर्ट आपको मिलता है, कोई भी नॉइस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, और बहुत ही खराब रोड पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। स्लो स्पीड पे ड्राइव करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हाई स्पीड पे ड्राइव करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म से मैं ये सफारी नेक्सॉन सब में यूज कर रहा हूँ, टाटा का सस्पेंशन में कोई तोड़ नहीं है। बस एक चीज और है कि इसमें सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टर साइड रखे गए हैं बेटर कंफर्ट के लिए। तो वो कंफर्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है भाई थोड़ा सा बॉडी रोल आपको मिलता है। जब आप स्पीड पे रहेंगे, कॉर्निंग वगैरह करेंगे तो आपको बॉडी रोल फील होगा, लेकिन गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स इतने स्ट्रांग है कि भाई ग्रिप लूज नहीं करते हैं। मैंने कल बहुत ट्राई किया था इसको स्पीड में कॉर्नर करने का, कहीं भी कोई ऐसे टायर्स की नॉइस नहीं, ग्रिप बहुत अच्छी है, ट्रैक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस वो बॉडी रोल फील होगा। अगर आप थोड़ा सा फन करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे आप इसमें। आप आ गए, अभी मेरे को तो ऐसा लगता है इसमें नेक्सॉन ही चला रहा हूँ। जब तक वो मुड़ती नहीं है ना तो एकदम ऐसा लगता है कि नेक्सॉन ही चला रहे हैं अपन, एकदम से फिर ध्यान आता है कि पीछे बड़ी है। इसीलिए तो मैंने ली है कि तेरे को यार अजीब नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए भाई तो नेक्सॉन चला रहा है। वही मैं अब गली कूचड़ का बता दे यार, गली कूचड़ में कैसे चल। हाँ अब भाई सिटी ड्राइविंग के लिए देखे तो अभी हम लोग बहुत ही नैरो रोड्स पे हैं और यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया सपोर्ट आपको मिलता है स्टीयरिंग का, सस्पेंशन का, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंगल हैंडेडली आप ड्राइव कर सकते हैं। टर्बोचार्ज इंजन आपको बेसिक से ही मिलते हैं, तो टर्बो जब तक ऑफ रहता है तो उसका एक बेनिफिट भी आपको मिलता है कि भाई वो इंस्टेंट पुश नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो वो आपको हेल्प करता है क्योंकि आप बहुत इजीली लाइट फुट एक्सीलेटर पे इसको ड्राइव कर सकते हैं, स्पेशली लो स्पीड पे टर्बोचार्ज इंजन में एक ये बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। अब ये आ गया भाई ब्रेकर, आप देखिएगा कितना इजी।
जो आपको साउंड आया होगा ये हमारी वाटर बॉटल का है, इसके अलावा कोई भी नॉइस नहीं आ रहा है। एक और है ब्रेकर, ये लो ना भाई, ये ले भाई। सस्पेंशन सच में बहुत सॉफ्ट है भाई, जो इसका रियर है वो नूरा फतेही से इंस्पायर है, बिल्कुल सीरियस मुंह बना के थोड़ा सा। तो भाई अब लेके आ गए हाईवे पे। अब हाईवे में मैं आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी स्टेयरिंग का फीडबैक कैसा है वो सब शेयर करूंगा। अभी जो है मैं ज्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ भाई, घर की गाड़ी है, क्यों वॉट लगाना है। तो धीरे धीरे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। फिर भी मैं बताऊँ आपको, लगभग 2500 RPM ये अब इसके टर्बो की रेंज में आ गई, लगभग 60 की स्पीड पे। और मैंने जो है गियर स्विच कर दिए फोर्थ गियर पे। ड्राइविंग मोड्स एक बार अपन यूज करके देखते हैं क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं कंपेयर टू नेक्सॉन वगैरह या हैरियर सफारी वगैरह। तो लगभग सिमिलर ही है, एकदम से जंप नहीं आता है। नेक्सॉन में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपडेट्स आने के बाद अब जो है स्पोर्ट्स मोड पे और सिटी मोड पे बहुत ज्यादा डिफरेंस ला दी टाटा ने। और सिमिलरली अब हैरियर और सफारी बिहेव करती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्योंकि कूपे डिजाइन है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड डिजाइन है, आई थिंक इनने मिनिमल डिफरेंस रखा है। अब मैं स्विच कर रहा हूँ इसको इको पे, सिटी में बोल नहीं रही ना तेरी गाड़ी। अब मैं स्विच कर रहा हूँ इको पे, तो ये भाई मेरे को कभी भी पसंद नहीं था। और इसको अगर आप सिर्फ माइलेज के लिए 60-70 के आसपास रहें, जैसे अभी चल रही है फोर्थ गियर पे अराउंड इस पे रहें, लाइट फुटेड रखेंगे तब आपकी गाड़ी जो है माइलेज इसमें इंप्रूव हो जाता है। अभी जो गाड़ी हमारी 10 का दिखा रही थी, इंस्टेंट जो है 12.1 जा चुकी है। और अगर मैं इसको कंटिन्यू ऐसे ड्राइव करते रहूंगा तो एवरेज जो मेरा माइलेज आ जाएगा वो अराउंड 14-16 ऐसा भी जा सकता है। बल्कि इस गाड़ी की अभी सर्विस वगैरह नहीं हुई है तो आप इससे भी जज कर सकते हैं। अब स्टीयरिंग की बात करें, देखो भाई करेंटली मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो स्टीयरिंग फीडबैक हमेशा से ही टाटा का अच्छा रहा है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहेगा लेकिन फीडबैक खराब नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील इसमें भी आपको मिलता है और बहुत अच्छा फीडबैक है। अगर मैं देखो इसको पुश करूंगा तो ऑटोमेटिक वेट गेन करता है, और मैं आप देखिए मूव भी कर रहा हूँ तो वेट बहुत है गाड़ी में, कहीं भी कंट्रोल लूज नहीं करेगी। ऊपर से इनके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं तो आपको कहीं भी ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा कि भाई आप ग्रिप लूज कर जाओगे। सिमिलरली अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो तो तुरंत लाइट होता है, जैसे ही आप 40 के अंदर आओगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसका स्टीयरिंग लाइट हो जाएगा। तो ये जो है आपके स्पीड के हिसाब से बिहेव करता है और इसका बेनिफिट आपको मिलता है। स्टीयरिंग से रिलेटेड मेरे को कभी भी टाटा की कार्स में ऐसे चलाने में इशू नहीं हुआ है। हाँ थोड़ा सा टिल्ट वगैरह रहता है तो वो भाई आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील जाके सेट कराना पड़ता है, अलाइनमेंट से भी नहीं होता है, वो आपको लैपटॉप से कराना पड़ेगा। अब भाई बात करते ब्रेकिंग की, ये जो इफेक्ट था आप इससे समझ सकते हैं, ब्रेकिंग काफी स्ट्रांग है। टायर्स की विड्थ भी अच्छी है, 215 तक चले जाते हैं, टायर्स की विड्थ अच्छी, ग्रिप आपको स्ट्रांग मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का थोड़ा देते तो थोड़ा बहुत फन में इससे आपको और करके दिखाता कि कैसे क्या मूवेबिलिटी है, लेकिन क्योंकि गाड़ी में बॉडी रोल है तो आई थिंक स्मार्टली प्ले करी टाटा। अब एक चीज आपने और नोटिस करी होगी स्पेशली कोरियन कार्स में, तो जब अपन थोड़ा सा ऑफ रोड पे ले जाते हैं, खराब रास्तों पे ले जाते हैं, तो उनका स्टीयरिंग वॉबल करता है और जब आप ब्रेकिंग भी प्रेस करो तो उसमें थोड़ा थोड़ा गैप आता है, जैसे जैसे गड्ढे आते हैं ना थोड़ा सा उसका ट्रैक्शन लूज होता है। तो यहाँ पे भाई ऐसी कोई इशू नहीं है, इसको हम लोगों ने खराब रोडों पे भी चलाया, कहीं कोई ऐसा आपको वॉबल फील नहीं होगा। आप आसानी से स्टीयरिंग को सिमिलरली यूज कर सकते हैं जैसे आप रोड्स भी यूज करते हैं, कोई इसमें ऐसा वॉबलनेस नहीं आता है। तो अब इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील का ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा, ब्रेकिंग में भी सिमिलर है। ब्रेकिंग में भी आपको वो ऐसा अप डाउन पैडल नहीं होता है, बहुत ही मिनिमल रहता है। अब मैं कोरियन से बात कर रहा हूँ भाई, सेल्टोस क्रेटा की, अगर आप इसके ऑनर हो तो आप जानते होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अब भाई बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग की, यानी गाड़ी के हर्ट की, इंजन की। तो इसमें आपको जो 1.2 लीटर टर्बोचार रेवट्रॉन मिलता है ना, वो सिमिलर इंजन है जो आपको नेक्सॉन वगैरह में आता है, तो सिमिलर बिहेवियर भी देखने को मिलता है, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस मेरे को नहीं नजर आया। स्टार्टिंग में आपको लैग मिलता है, आपको बहुत टाइम से पता है भाई ये प्रॉब्लम बनी आई है इस इंजन के साथ, लेकिन इसकी एक स्ट्रांग थिंग भी है वो भाई इसकी मिड रेंज, जिस स्पीड में मैं भी चला रहा हूँ थर्ड या फोर्थ गियर पे, ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है गाड़ी। इस स्पीड पर अगर आप ड्राइव करने वाले बंदे हो 60 से लेके 80-90 पे, तो ये गाड़ी बहुत ही कंफर्ट रहती है। ये परेशान कहाँ करती है, सिटी में। जब आप सिटी में ड्राइव करते हो तो बार बार टर्बो किक इन करता है, आप थोड़ा बहुत ओवरटेक करना चाहते हो, फिर आप गियर डाउन करते हो, तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा ये इंजन में हाई स्पीड पे मेरे कोई दिक्कत नहीं लगती और मैं भी यूज टू हो चुका हूँ, तो सिमिलर बिहेवियर इसमें भी आपको मिल रहा है। गाड़ी का बॉडी वेट थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही बिहेव करती है।
एक चीज है जो आपको नेक्सॉन में बेटर लगेगी, ये जो 6 स्पीड ट्रांसमिशन इसमें मिल रहा है, ये पता नहीं इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि इतना नौची वो नहीं लगता है या इतना हार्श नहीं लगता है। अगर आप नेक्सॉन को ड्राइव करेंगे उसके बाद कर्व को ड्राइव करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने मैनुअल वाले बंदे हैं उनको थोड़ा सा हार्श इसमें ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा कर्व में। कोई ट्रांसमिशन हार्श है, गाड़ी में लैग है तो क्या माइलेज खराब है? नहीं भाई, माइलेज अच्छा है। अभी गाड़ी आप देखिए मुश्किल से 1 वीक भी पुरानी नहीं है और हम लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं अभी से। ये 14.4 करेंटली मेरे को दिखा रही है, 14.4, बल्कि मैं आपके सामने ड्राइव कर रहा हूँ, इसको पुश भी कर रहे हैं, ब्रेकिंग भी कर रहे हैं, ड्राइविंग मोड्स भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन 14.4 समथिंग जो है क्रॉस कर गया है। तो आप समझ सकते हैं माइलेज अच्छा देगी, जैसा आपको नेक्सॉन में मिलता है लगभग सिमिलर ही देगी। आप हाईवेज पे इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर ड्राइविंग मोड्स यूज करें तो 18-20 तक जा सकता है। सिटी में जो है आप 13-14 तक इसका माइलेज आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप दिमाग लगाएंगे तो उससे भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। ये है कि मैक्सिमम लोग ड्राइविंग मोड्स को यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको थोड़ा सा यूज़ करने की हैबिट डालिए है। और इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, कर्व के साथ भी अपन एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कैसे ड्राइविंग मोड्स को यूज़ करके मैक्सिमम माइलेज आप इस पर निकाल सकते हैं, इवन मैक्सिमम पावर भी आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। सब हो गया ना अब तो? यस सर। हाँ यस सर। Ha 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 ha!